आज एक पीआईएल फाइल हुई थी हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें ये प्रेयर था कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी को एंट्रिम बेल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए एंट्रिम बेल दी जाए। हम रेस्पोंडेंट नंबर 5 जो कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अपीयर हुए और हमने इस पिटीशन का विरोध किया, ये कहते हुए कि कानूनी प्रक्रिया में कोई व्यक्ति अगर जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो अपनी बेल खुद फाइल करता है, अपने ग्राउंड्स रेज करता है और उसको वो आर्ग्यू करता है। ये पीआईएल का सब्जेक्ट मैटर नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि ये पिटीशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मीडिया के लिए फाइल किया गया है और चूंकि जो पिटिशनर है उसका कोई लोकस नहीं है और पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए कोर्ट से गुजारिश की कि ये पिटिशन खारिज की जाए। माननीय कोर्ट ने इस पिटिशन को आउटराइटली रिजेक्ट करते हुए डिसमिस किया है और डिसमिस ही नहीं किया बल्कि 75,000 कॉस्ट जो है पिटिशनर पे इम्पोज किया है।